मॉर्निंग चाइल्ड, आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 6 द अनग्रेटफुल टाइगर। इसके पहले वीडियो में आपने इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था, अब इस स्टोरी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस। टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है? द मैन सॉ अ डैश लायन फॉक्स टाइगर। स्टोरी में मैन ने किसको देखा था? टाइगर को देखा था, तो यहाँ पे टिक करेंगे टाइगर। नेक्स्ट है द टाइगर इज अ डैश नाइस सॉरी द टाइगर इज अ डैश एनिमल नाइस बिग डेंजरस। बाघ कैसा एनिमल है? बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेंजरस। ओके, किस पे टिक करेंगे हम? डेंजरस पे। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। द टाइगर वॉज डैश ग्रेटफुल अनग्रेटफुल बोथ। टाइगर यानी जो हमारा बाघ था स्टोरी में, वो ग्रेटफुल था या फिर अनग्रेटफुल था या फिर दोनों? तो वो क्या था? एक अनग्रेटफुल था। ओके, नेक्स्ट है क्या था? वो एक बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हु हेल्प द मैन सेव हिज लाइफ। मैन की सहायता किसने की? उसका जीवन बचाने के लिए, मैन का जीवन बचाने के लिए किसने मैन की सहायता की? फॉक्स वुल्फ बोथ। बोथ यानी ये दोनों। तो कौन मदद करता है? फॉक्स करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन आंसर है, इसे हम बाद में करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। देखिए अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द टाइगर वॉज, टाइगर क्या था? अनग्रेटफुल था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? अनग्रेटफुल। क्या हो जाएगा यहाँ? अनग्रेटफुल। नेक्स्ट क्या है आपका? द डैश ओपन द केज। पिंजरे को किसने खोला था? तो पिंजरे को तो मैन ने खोला था। ओके, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैन। नेक्स्ट है आपका द फॉक्स थॉट फॉर अ सेकेंड एंड मेड अ डैश। लोमड़ी ने एक सेकंड के लिए सोचा और एक क्या बनाया था? प्लान बनाया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लान। नेक्स्ट है द टाइगर वॉज अगेन डैश इनसाइड द केज। बाघ फिर से पिंजरे में क्या हो गया? लॉक हो गया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लॉक्ड। लॉक्ड इनसाइड द केज। नेक्स्ट, नेवर ब्रेक योर, कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या है? यूजिंग ग्रामर यानी इसे ग्रामेटली आपको फील करना है। देखिए क्या है, द टाइगर विल किल द मैन। बाघ आदमी को मार डालेगा। तो इसको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, सही से इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करके और सही सेंटेंस कर करके दूसरे सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। ओके, तो क्या हो जाएगा? देखिए, द टाइगर इज़ गोइंग टू किल द मैन, यानी इसका मींस क्या होगा? ये जो विल है आपका, इस विल की जगह क्या हो जाएगा? इज़ गोइंग टू। ओके, यानी अब यहाँ क्या हो जाएगा? बाघ आदमी को क्या करने जा रहा है? किल यानी मारने जा रहा है। ठीक है, उसको क्या करने जा रहा है? मारने जा रहा है। गोइंग टू का मीन्स होता है जा रहा है। ओके, इज गोइंग टू का मीन्स होता है जा रहा है। तो आपको जितने भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज गोइंग टू, विल की जगह क्या हो जाएगा? एज इट इज़ आपको ये सारे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इससे भी क्या करना है?
ऐसे ही बनाना है जैसे ये है। देखिए, नाउ री राइट द सेंटेंसेस एज डन इन द एबव एग्जाम्पल, यानी जैसे ये एग्जाम्पल में इसको कंप्लीट किया गया है, ठीक है, उसी तरह आपको इन सभी को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर, द टाइगर विल कम आउट ऑफ द केज, इसको हम क्या करेंगे, विल की जगह क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू, ठीक है, हम यहाँ क्या राइट करेंगे, इज गोइंग टू, सिर्फ इसकी जगह, और जितने भी वर्ड्स हैं आपको उसको एज इट इज़ राइट करना है जैसे दिया हुआ है। देखिए, द टाइगर विल की जगह क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू, इज गोइंग टू, ओके, इसकी जगह क्या हो गया, इज गोइंग टू, इस विल की जगह पर, और बाकी सारे सेंटेंसेस आप एज इट इज़ यानी इसी तरह से राइट कर लोगे आप। कम आउट ऑफ द केज, ओके, फुल स्टॉप यहाँ पर गिवन है, आपको दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, द टाइगर विल कम आउट ऑफ द केज, यानी बाघ क्या है, पिंजरे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, बाघ क्या है, पिंजरे से बाहर आने जा रहा है, ओके, पिंजरे से बाहर या फिर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, एज इट इज़ आपको करना है इसी तरीके से, इस विल की जगह आपको क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू, यहाँ पे भी इज गोइंग टू, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। देखिए ये सब, ये एज इट इज़ हमें इसे बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड, द मैन विल ओपन द डोर ऑफ द केज, इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द मैन इज गोइंग टू, ओके, विल की जगह क्या हो जाएगा, इस विल की जगह क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू ओपन द डोर ऑफ द केज, ओके, यानी इसका मीन्स होगा आदमी पिंजरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा है, ठीक है, आदमी पिंजरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा है। नेक्स्ट है, द मैन विल टेल द होल स्टोरी टू द फॉक्स, इसका हम कैसे बनाएंगे, देखिए, द मैन इज गोइंग टू, विल की जगह क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू टेल द होल स्टोरी टू द फॉक्स, वह आदमी लोमड़ी को पूरी कहानी बताने जा रहा है, ओके, द फॉक्स विल पुट द टाइगर बैक इन द केज, इसका क्या हो जाएगा, द फॉक्स इज गोइंग टू पुट द टाइगर बैक इन द केज, लोमड़ी बाघ को वापस पिंजरे में डालने जा रही है। नेक्स्ट है, द टाइगर विल स्टे इन द केज फॉर एवर, इसका क्या होगा, द टाइगर इज गोइंग टू स्टे इन द केज फॉर एवर, बाघ हमेशा के लिए पिंजरे में रहने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट आपका है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द पैटर्न गिवन बिलो, यानी ये जो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसको री राइट कर आपको बताया गया है, इसी पैटर्न से आपको सारे कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, व्हेन द टाइगर वाज आउट ही रश्ड एट द मैन, इसको देखिए कैसे री राइट किया गया है, एज सून एज लगाकर, इस व्हेन के प्लेस पर हमें क्या करना है, एज सून एज लगाना है, ओके, और जितने सेंटेंसेस हैं बाकी सारे सेंटेंसेस एज इट इज़ रहेंगे उसी तरह। देखिए, द भी है, टाइगर वॉज आउट ही रश्ड एट द मैन, ओके, तो हमें सारे सेंटेंसेस को ऐसे ही बनाना है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, एज सून एज द टाइगर वॉज आउट ही रश्ड एट द मैन, इट मीन्स दैट जैसे ही, एज सून एज का मीन्स होता है जैसे ही बाघ बाहर आया, वह आदमी के पास पहुंच गया, या फिर शीघ्रता से ही आदमी के पास पहुंच गया। रस्ट मीन शीघ्रता से किसी के पास पहुंच जाने के लिए शब्द का, रस्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर जो व्हेन है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एज सून एज, ओके,
अब हम इसे कैसे राइट करेंगे? एज शून एज वी रीच्ड, देखिए वी एज इट इज़ है, रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, ओके। इस वन की जगह हमें क्या करना है? एज शून एज राइट करना है। जैसे ही हम पहुँचे, कहाँ पहुँचे? स्टेशन पर। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन चली गई। ट्रेन क्या हुई? चली गई। नेक्स्ट इसी तरह, नेक्स्ट इसी तरीके से करना है, ये भी इसी तरीके से करना है, ये भी सारे हम एज इट इज़ जैसे हमने अभी किया है वैसे हमें इन सभी को भी ऐसे ही करना है। देखिए आपका एज इट इज़ सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी करना है। देखिए सेकंड क्या है? व्हेन द टीचर केम इन द क्लास द बेल रैंग। इसे हम कैसे बनाएंगे? एज शून एज, व्हेन की जगह पे क्या हो जाएगा? एज शून एज द टीचर केम, ओके, द टीचर केम इन द क्लास द बेल रैंग, यानी जैसे ही टीचर या फिर अध्यापिका क्लास में आई वैसे ही बेल बज गई, यानी घंटी बज गई। जैसे ही अध्यापिका क्लास में आई घंटी बज गई, ओके। नेक्स्ट है व्हेन द मूवी स्टार्टेड द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हेन की जगह पर, व्हेन की प्लेस पे हो जाएगा एज सून एज द मूवी स्टार्टेड द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन। जैसे ही मूवी यानी फिल्म शुरू हुई, जैसे ही मूवी शुरू हुई द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन, बिजली चली गई, ओके, बिजली चली गई। नेक्स्ट क्या है? व्हेन द पुलिस रीच्ड द स्पॉट द रॉबर्स रैन। तो इसका भी एज इट इज़ होगा, एज सून एज द पुलिस रीच्ड द स्पॉट द रॉबर्स रैन। जैसे ही पुलिस पहुंची, ठीक है, मौके पर, स्पॉट यानी मौके पर, जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, रॉबर्स यानी जितने भी लुटेरे होते हैं उन्हें रॉबर्स कहते हैं, लुटेरे भाग गए, ठीक है। जैसे ही पुलिस पहुंची लुटेरे भाग गए। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, फ्रेजेस हैं। एज क्लेवर एज, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है फॉक्स की, तो हम इसे क्या यहाँ पे क्या राइट करेंगे? फॉक्स, ओके। क्लेवर यानी चालाक, एज यानी जैसे, ठीक है, या फिर तरह। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या हो जाएगा? लोमड़ी की तरह चालाक। एज माइटी एज अ, यहाँ पर टाइगर की पिक्चर है तो हम यहाँ टाइगर राइट करेंगे। माइटी यानी शक्तिशाली, ठीक, तो इसका मीन्स हो जाएगा एक बाघ के रूप में शक्तिशाली। नेक्स्ट है आपका एज प्राउड एज, ये क्या है? पिकॉक, हम यहाँ राइट करेंगे पिकॉक। ओके, इसका क्या होगा? मोर के रूप में गर्व, ओके। एज ये किसकी इमेज है? हनी बी की, ठीक है, यानी मधुमक्खी, तो हम यहाँ राइट करेंगे हनी बी। एज बिजी एज हनी बी, मधुमक्खी के रूप में व्यस्त, ठीक है। देखा होगा आपने हमेशा मधुमक्खियाँ व्यस्त रहती हैं, वो हमेशा अपने शहद को बनाने के लिए प्रिपेयर रहती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं और हमेशा शहद को बनाने में व्यस्त रहती हैं। नेक्स्ट है एज फैथफुल एज अ, ये किसकी इमेज है? डॉग है, तो हम यहाँ राइट करेंगे डॉग। फैथफुल यानी वफादार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कुत्ते की तरह वफादार। नेक्स्ट क्या है? ये एक स्नेल है यानी घोंघा, तो क्या होगा? एज स्लो मीन्स धीमा, ठीक है, एज स्लो एज अ स्नेल, घोंघे की तरह धीमा, ठीक। देखा होगा आपने घोंघे धीरे धीरे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका मैच द अपोजिट्स, यानी हमें क्या करना है, अपोजिट यानी इसका जो उल्टा वर्ड होता है उसे हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। देखिए ओपन, ओपन मतलब खोलना, खोलना का बंद करना होता है, तो ओपन का क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख, मूर्ख का इंटेलिजेंट हो जाएगा। फर्स्ट यानी, फर्स्ट यानी शुरुआत, और अंत का, आखिरी का क्या होता है, लास्ट, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, लास्ट। नेक्स्ट है फेयर, फेयर का क्या हो जाएगा, अनफेयर। नेक्स्ट है आपका किल, किल यानी मारना, ठीक, तो बचाना होगा, मारने का बचाना होता तो किल का सेव। नेक्स्ट है ट्रुथ, सच का झूठ, लाई मीन्स झूठ। नेक्स्ट है मैच द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, ये होल है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, होल, तो देखिए इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, होल ही पढ़ते हैं। ये है स्टोरी, इसे भी हम स्टोरी पढ़ेंगे, तो हमारी इसको इससे मैच करेंगे, ओके। ये इसका सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, सीन का सिमिलर साउंडिंग वर्ड ये है, फेयर का ये है, तो हम इसको किससे मैच करेंगे, फेयर से। राइट, अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड राइट, ओके। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज दीज लेटर टू मेक द नेम ऑफ द एनिमल्स, यानी हमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इसे हमें क्या करना है, रीअरेंज यानी फिर से अरेंज करके लिखना है, और आप देखेंगे कि जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक एनिमल्स का नेम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जी आर आई ई टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टाइगर, क्या हो गया, टी आई जी ई आर, टाइगर बन गया। नेक्स्ट ये क्या होगा, फॉक्स, एज इट इज़ ये सारे एनिमल्स के ही नेम हैं, लेकिन इसे प्रॉपर लिखा नहीं गया है, तो इसे भी हम सारे एनिमल्स के नेम को प्रॉपर राइट करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टाइगर, फॉक्स, डक, क्रोकोडाइल, हॉर्स, कैमल। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द बेबीज ऑफ दीज एनिमल्स, हमें क्या करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें क्या करना है, बच्चों के नाम फिल करना है, नेम द बेबीज ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के बच्चों के नेम इन इंग्लिश हमें यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, सॉरी कब कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, सी यू बी, और काउ, काउ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, ओके, क्या होगा, सी ए एल एफ, ओके। नेक्स्ट है ये हैन, हैन के बच्चे को क्या कहते हैं, कैटल, सॉरी ये हैन के बच्चे को हम क्या कहेंगे, इसका क्या हो जाएगा, चिकन। टू बॉक्स एक्स्ट्रा कर लीजिए आप, ओके, चिकन। नेक्स्ट आपका क्या है, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड नरेट इन योर ओन वर्ड्स हाउ द बॉय फाइनली अचीव द गोल, इस पिक्चर को देखना है और आपको क्या करना है, अपने शब्दों में आपको, अपने शब्दों में आपको लिखना है कि बच्चा अपने गोल को कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो देखिए इसने चिड़िया के बच्चे को लिया है, इसको इस पेड़ पर उसके घोंसले में रखना है, ओके, और फाइनली इसने यहाँ पर इसके बेबी को इसमें रख दिया, यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना है, ओके। नेक्स्ट है ये एक्टिविटी है, आपको करनी है, आपके
इंग्लिश में जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, वन नंबर पर आता है, बी टू नंबर पर आता है, सी थ्री नंबर पर आता है, एंड सो ऑन। देन डिकोड दिस मैसेज, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको कोड दिया है उससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो देखिए, ए वन नंबर पर आता है, ठीक है, वन नंबर पर ए, बी टू नंबर पर, एज इट इज़ सबकी नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 to 26 तक होती है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर पर, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन बुक में भी दिया है 14, 5, 22, 5, 18 22 और 5 और 18। 14 पे जो अल्फ़ाबेट आता होगा उसे यहाँ फिल करना है, 5 पे जो अल्फ़ाबेट आता होगा उसे यहाँ फिल करना है, 22 पे, 5 पर, 18 पर, एज़ इट इज़ आपको लिखना है। तो देखिए 14 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, देखिए यहाँ पर 14 है, 14 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एन। तो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पर एन, ओके। फिर देखिए 5 है, 5 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ई। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, ई। 22 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वी। हम यहाँ राइट करेंगे वी। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, फिर से 5 आया, तो 5 पे देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो 5 नंबर पे क्या आएगा, ई ही आएगा। फिर देखिए 18 नंबर, 18 नंबर पे क्या आता है, आर। हम यहाँ क्या राइट करेंगे, आर, ओके। तो ये क्या बन गया, नेवर, ओके। क्या मैसेज मिला कि ये नेवर वर्ड बना है, ऐसे ही आपको इसे अरेंज कर कर बनाना है, ओके। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एन ई वी ई आर, नेवर। अब देखिए टू, टू नंबर पे क्या है, बी। 18 नंबर पर आर, 5 नंबर पर ई, 1 नंबर पर ए, 11 नंबर पर के आता है, ओके। तो ये क्या हो गया, नेवर ब्रेक, 1 नंबर पर क्या आता है, ए, नेवर ब्रेक। अब देखिए 16 पर क्या आता है आपका, पी, ओके। 18 पर आर, 15 पर ओ, ओके। 13 पर एम, ठीक है, ऐसे ही आपको बनाते जाना है, ठीक है। फिर देखिए 9 पर, 9 पर क्या आता है, आई। ये 15 ये आपको रॉन्ग दे दिया है, यहाँ पर 19 होना चाहिए था, ठीक है, आप इसे 19 बना लीजिएगा, ओके। इस 15 को आप 19 बना लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 19 में क्या होगा, एस। 5 पर ई। अब इसे पढ़ते हैं, देखिए क्या मैसेज मिला, नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, कभी भी प्रॉमिस यानी वादा नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी पूरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की फिनिश हो गई है, ओके। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।